नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार के बारे में। ये वाला फ्लोडाग्राम आपने देखा हुआ था, पहला जो था हुआ था आपका पार्ट वन। ठीक है, आप सभी को पता है पहला कौन सा था दोस्तों, पार्ट वन के बारे में। ठीक है, हमने पार्ट वन वहाँ पे देखा था और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखेंगे कौन सा पार्ट टू, क्लियर, ये वाले पार्ट पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जिसमें हम सीमावर्ती राज्य एवं सीमावर्ती जिलों पर बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती जिलों को हमने निम्न तरीके से बाइफर्केट किया हुआ है। याद रखें, सीमावर्ती राज्य एवं सीमावर्ती जिले जो है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सीमावर्ती राज्य, और सीमावर्ती राज्य को देखने के कुछ डायमेंशंस होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, हम उसके आधार पर देखेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है स्टूडेंट के बीच जब आप चीज़ों को पढ़ते, इसलिए हम यहां पर सीमावर्ती राज्य का जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम पहला पॉइंट में जाएंगे, छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट के डायरेक्शन। इसका मतलब समझिए दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप याद रखें, अगर आप इन पॉइंट्स को याद रख लेंगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टमैटिक नहीं हो पाती। तो सीमावर्ती राज्य एवं सीमावर्ती जिले में पहला पॉइंट हमने दिया सीमावर्ती राज्य का, और सीमावर्ती राज्य में हमने देखा छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट के डायरेक्शन का। दैट मीन्स इसका बोलना ये है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़, और इस छत्तीसगढ़ के डायरेक्शन में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और किस किस डायरेक्शन में, हमको उन चीज़ों को बताना है। समझ में आई बातें? चलिए, तो उन चीज़ों को किस प्रकार से बताया जाएगा ये हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक, चलिए, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, हम यहाँ पर जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी कि राज्य वही है, यहाँ पर जो राज्य हैं सारे, जो सात राज्य हैं, वो एरिया के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा, एरिया के आधार पर सबसे छोटा कौन सा, और एरिया के आधार पर सबसे बीच का कौन सा। थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई के आधार पर उन राज्यों को जमाना। देखिएगा, पहली बात तो मैंने सीमावर्ती राज्य की बात की, यानी छत्तीसगढ़ के सेंटर होने के बाद उसके सराउंडिंग्स में, उनके बाउंड्रीज में जो जो राज्य है उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला मैंने बताया छत्तीसगढ़ एवं अदर स्टेट के डायरेक्शंस देखने हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी एरिया के आधार पर कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बेसिस ऑफ लेंथ, यानी लेंथ के आधार पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रीलिम्स मेंस में। और रिलेशंस इन बिटवीन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हमने छत्तीसगढ़ के बाहर तो सारी दूरियाँ तय कर ली, अब राज्य से हम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के बाउंड्री वाले, इसमें छत्तीसगढ़ के बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पर जो बाउंड्री में जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम उसमें यहाँ पर आने वाले हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक, साथ ही हम जब दूसरा पॉइंट देखेंगे तो जिलों की स्थिति में आएंगे, हम यहाँ पर राज्य की बात नहीं करेंगे। याद रखिएगा, हमने यहाँ पर टोटली राज्य की बात की थी, यानी कि यहाँ पर हमने बात किया था स्टेट्स की, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाउंड्री यानी डिस्ट्रिक्ट के साथ उसके क्या क्या संकल्पनाएं हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला वाला जो वीडियो था उसमें आपने देखा अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में, उसमें आपने देखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों सीमावर्ती राज्य, सीजी एवं अदर स्टेट डायरेक्शंस के बारे में। चलिए, ये हो गया मैप, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप, और इस छत्तीसगढ़ के मैप में हम थोड़ा बहुत क्या करते जाते हैं, ड्रॉ करेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सीजी एवं अदर स्टेट के डायरेक्शंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो चलिए बात करते हैं। ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़, ये समझ में आई बात है, ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक डायरेक्शन होगा नॉर्थ, एक डायरेक्शन होगा साउथ, एक डायरेक्शन होगा आपका ईस्ट, और एक डायरेक्शन होगा आपका वेस्ट। यानी कि छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं में कौन कौन से, छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्य हैं उस पर चर्चा करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में आपको कौन सा राज्य दिख रहा है यहाँ पर, यूपी, कौन सा राज्य दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये है आपका यूपी, जो कि छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है दोस्तों, नॉर्थ पे है। छत्तीसगढ़ के ईस्ट पे आपको कौन सा राज्य दिख रहा है मोटा मोटा, ये आपको दिख रहा है उड़ीसा। ठीक, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आपको कौन सा राज्य दिखेगा यहाँ पर, आप सभी को पता है, जो कि होगा आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में आपको कौन सा राज्य दिख रहा है, वह होगा आपका महाराष्ट्र।
तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के ईस्ट पे, छत्तीसगढ़ के वेस्ट पे, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पे और छत्तीसगढ़ के साउथ पे, इन राज्यों के बारे में हमें पता चलता है। अब साथ ही साथ याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा मुझे, झारखंड। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ वेस्ट में मुझे क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्ट में क्या मिलने वाला है बताएं, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट में मुझे क्या मिलेगा, हम यहाँ पर भी उड़ीसा को लेंगे और यहाँ पर भी हम उड़ीसा को लेंगे। नॉर्थ में हमको मिलेगा यूपी एंड साउथ में मिलेगा हमको आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टोटल इन चीज़ों को बाइफरकेट किया, अलग अलग किया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि छत्तीसगढ़, क्वेश्चंस हम अभी आगे देखेंगे इस प्रकार कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के बारे में उल्लेख करें, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और दे सकता है। तो याद रखें क्वेश्चन बनेगा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के बारे में, उनके डायरेक्शंस को लेके याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट हुआ छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में मध्य प्रदेश है, तो ध्यान रखेंगे नॉर्थ वेस्ट में। छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में झारखंड है, तो ध्यान रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में। छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में उड़ीसा है, तो याद रखेंगे साउथ ईस्ट में। और छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में तेलंगाना है, तो याद रखेंगे साउथ वेस्ट में तेलंगाना है। इसका वाइस वर्सा ये होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि झारखंड, ठीक, झारखंड के किस डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ है, तो क्या लिया जाएगा आप ही देखिए। तो झारखंड का ये कौन सा डायरेक्शन, ये है साउथ और ये है आपका वेस्ट। तो छत्तीसगढ़ जो है वह झारखंड के साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में है। तो छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में झारखंड है, वो है नॉर्थ ईस्ट। और झारखंड के किस डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ है, आपको दिख रहा होगा साउथ और वेस्ट। क्लियर हुई बात यहाँ पे। सेम यहाँ पर यूपी, यूपी के किस डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ पड़ेगा, आप सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ पे, किस डायरेक्शन में आएगा ये, साउथ। एमपी के किस डायरेक्शन में आ जाएगा दोस्तों, ये नॉर्थ है तो ये एमपी का कौन सा डायरेक्शन होगा, जरा ध्यान दीजिए, ये एमपी का डायरेक्शन होगा, ये होगा साउथ और ये होगा ईस्ट। यानी कि एमपी के किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये साउथ ईस्ट पे। यानी कि दक्षिण पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ बिलोंग करता है किसके, मध्य प्रदेश के। साथ ही साथ में अगर बात करूँ तेलंगाना, तो तेलंगाना के किस डायरेक्शन में ये आएगा, तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना का यह नॉर्थ एरिया एंड ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, ईस्ट। तो तेलंगाना के नॉर्थ ईस्ट पे क्या है मेरा, छत्तीसगढ़। सेम अगर मैं उड़ीसा के बारे में अगर क्वेश्चन आए, तो उड़ीसा में ध्यान रखेंगे आप लोग, उड़ीसा के कौन कौन से डायरेक्शन में आएंगे, ये होगा नॉर्थ और ये होगा वेस्ट। और साथ ही साथ उड़ीसा के किस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे उड़ीसा के वेस्ट डायरेक्शन पे हमको छत्तीसगढ़ मिलने वाला है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि एक तरफ छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में उस राज्य की स्थिति, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर राज्य के रेफरेंस में या संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति, यही ये जो है छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट डायरेक्शन के बारे में कहता है। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनेंगे, हम बाद में उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सीमावर्ती राज्यों का क्रम। अब सीमावर्ती राज्यों का क्रम हमें क्षेत्रफल के आधार पर देखना है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि राज्य कौन कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सीमावर्ती राज्यों का क्रम को, ठीक है। चलिए पहला आपको पता चल गया कौन सा राज्य है यहाँ पे, पहला आपको पता चल गया कौन सा राज्य है यहाँ पे, यूपी। कौन सा राज्य है दोस्तों, पेन कलर में चेंज कर लेता हूँ, बेटर होगा, यूपी। यूपी के बाद आप सबको पता चल गया ये कौन सा राज्य है, झारखंड। झारखंड के बाद आपको पता चल गया कौन सा राज्य है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपको सबको पता चल गया, ये वाला कौन सा राज्य है यहां पर, आंध्र प्रदेश। आपको दिख रहा है, क्लियर है, ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद यहां पे तेलंगाना, ये आपको तेलंगाना दिख रहा है। तेलंगाना के बाद यहां पर आपको महाराष्ट्र दिख रहा है। महाराष्ट्र के पास यहां पर मध्य प्रदेश, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, कोरिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपको यहाँ पर पता चल गया कौन सा राज्य है यहाँ पर, तेलंगाना। तेलंगाना के बाद यहाँ पर आपको पता चल गया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपको पता चल गया यहाँ पर क्या है, एमपी, और एमपी के बाद ये पता चल गया यूपी। तो अगर मैं छत्तीसगढ़ बनाऊँ, ये देखो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं लूँगा यूपी और मैं क्लॉकवाइज चलूँगा। याद रखें कभी भी हम डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे तो हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक। तो जब मैं इधर क्लॉकवाइज चलूँ, क्लॉकवाइज चलने के साथ ही साथ यूपी के बाद झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद फिर उड़ीसा, और यहाँ पर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद यहाँ पर क्या आएगा, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा, एमपी। एक मैप लीजिए, मैप के साथ इसको कंटिन्यू करते जाइए दोस्तों।
मैप में ड्रॉ करिए चीज़ों को, तो और ज़्यादा ये समझ में आएगा। क्लियर हुई बातें? ये देखिए, ये है आपका कौन सा, झारखंड, ये कौन सा, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी। ये क्रम तो याद हो गया आपको, पहला यूपी ये हो गया। अब बात हो रही है यहाँ पर एरिया वाइज। अब इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, याद नहीं करना कितना एरिया, बस अब क्रम पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के बाउंड्री में जो जो राज्य हैं, बात उसकी हो रही है, छत्तीसगढ़ के बाउंड्री में जो जो राज्य हैं वह क्षेत्रफल के आधार पर किस क्रम में आते हैं, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य सीमावर्ती कौन सा है, सबसे छोटा सीमावर्ती राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा है। हम स्टार्ट करेंगे किससे, एमपी से, करेक्ट। चलिए बात करते हैं एमपी की, हम स्टार्ट किया मध्य प्रदेश से, यानी कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद नीचे मिलता है क्या मेरे को, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद नीचे मेरे को क्या मिलता है, फिर उसके बाद यूपी। याद रखें दोस्तों ये क्रम है, फिर से बात कर रहा हूं, ये देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी, यानी कि तीन का क्रम हो गया। यहां पर मैं नोट कर देता हूं, जैसे कि एमपी इज ग्रेटर देन महाराष्ट्र का क्षेत्रफल, और महाराष्ट्र के क्षेत्रफल से कम है आपका यूपी का क्षेत्रफल, यानी ये स्लॉट आपको याद रखना होगा, पहला तीन का स्लॉट। टोटल राज्य कितने, सात हैं, तो पहले आपको याद रखना होगा इन तीन के स्लॉट्स को। क्लियर हो रही बातें? ठीक, अब इस तीन के स्लॉट को याद रखने के बाद नेक्स्ट स्लॉट हम चलते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के बाद चलेगा आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद फिर टर्न आउट होके आप याद रखेंगे तेलंगाना की बात। ये तीन का स्लॉट अगेन है, जैसे कि यूपी, यूपी से छोटा है आपका क्या, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या आएगा, तेलंगाना। तो आपको ये तीन तीन के स्लॉट में याद रखना है एक पेंडुलम की तरह, यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा क्या, मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा दोस्तों, याद रखो, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सीधा ऊपर चलेगा यूपी, ये एक स्लॉट हो गया। उसके बाद हमको स्टार्ट करना है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश हम किधर चले गए, उड़ीसा, उड़ीसा से फिर टर्न आउट हो गया किधर, तेलंगाना। यानी याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसे बार बार रिटर्न होना पड़ रहा है। ये एट लास्ट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, झारखंड। अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एमपी, एमपी के बाद क्या आना है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या आना है, यूपी, यूपी के बाद क्या आना है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या आना है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या आना है दोस्तों, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद क्या आना है, झारखंड। ये एक क्रम है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट के डायरेक्शंस को देखा, और साथ ही साथ क्षेत्रफल के आधार पर सीमावर्ती राज्यों को देखा। इनको याद रखिए, डायरेक्शंस मतलब छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में अदर स्टेट का, और अदर स्टेट के रेफरेंस में छत्तीसगढ़ का डायरेक्शन हमने देख लिया, क्षेत्रफल के आधार पर सीमावर्ती राज्य, क्योंकि इनसे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं इसको आपको याद कराने तक के लेवल तक लेके जा रहा हूँ। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं जो प्रीलिम बेस्ड होते हैं, और उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। लगभग 80-85% ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीलिम्स की स्टडी से कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके लिए आपको प्रीलिम्स के जो तथ्य हैं उस पर कमांड और वो चीज़ें याद होनी चाहिए, ताकि उसको आप अच्छे फ्लेवर देके अपनी आंसर राइटिंग बेस्ट तरीके से क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके, ठीक है। चलो, तो ये वाला मामला सेट हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं क्षेत्रफल के बाद छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं वह छत्तीसगढ़ की सीमा को कितने लेंथ तक या कितने लंबाई तक स्पर्श करते हैं, और इसी आधार पर हम ये देखेंगे कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो लंबाई के आधार पर सीमावर्ती राज्यों के क्रम एवं राज्यों एवं जिलों के मध्य क्रम को हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, और ब्लॉक के आधार पर आपको चीज़ों को याद रखना होगा, क्योंकि लेंथ है, कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको भी बताऊंगा, आपको उन चीज़ों को याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको जैसे कि पूरा मैप आपको दिख रहा है, ये आप मैप देख सकते हैं, क्लियर मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर, ठीक है। इसके आधार पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब एक ब्लॉक बनाते हैं। चलिए, वो ब्लॉक कैसे रहेगा ज़रा समझते हैं उन ब्लॉक्स को। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज्य के बारे में, ठीक, कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, उसका लेंथ यानी छत्तीसगढ़ के साथ कितनी लंबाई की वह सीमा बनाने वाला है, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। उसके पश्चात वो जो पॉइंट होगा,
कि वह कितने जिलों को स्पर्श करता है, हम इस पर भी चर्चा करते चलते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित होगा। हम इस पूरे के पूरे इस ब्लॉक को हम किसके आधार पर सेलेक्ट कर रहे हैं, लेंथ के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले 7 राज्य हैं, सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के आसपास कितने राज्य हैं, पूरे बाउंड्री में कितने राज्य हैं, 7 राज्य। अब ये जो 7 राज्यों का जो लेंथ है, पहले मैं लेंथ को बता देता हूँ, क्योंकि बाकी ये चीज़ें कुछ ना कुछ आपको याद है, ये चीज़ें कुछ ना कुछ आपको याद है, ये याद नहीं है, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। जरा देखो, पहला लाइन मैं लिख रहा हूँ 8 और उसके नीचे लिख रहा हूँ 4, यहाँ लिख रहा हूँ 830, यहाँ लिख रहा हूँ 410। तो 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है, 1 का डबल 2+1 3 होता है, 0 का 0 होता है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद मैं बात करूँगा 3, फिर मैं बात करूँगा 2, फिर मैं बात करूँगा 1, क्लियर। फिर बात होगी यहाँ 7 की, फिर बात होगी यहाँ 7 की, और फिर बात होगी यहाँ 7 की, 3, 7, 9, करेक्ट। 2 के बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पर फिर से 3 आ जाएगा। तो याद रखिए 7, 7, 1, 2, 3 एंड 3, 5 का क्लियर हो गया दोस्तों। फिर बात करें 1 है तो यहाँ 1, अब यहाँ 0 गया था तो यहाँ 0 और यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 38। इस तरीके से 7 राज्यों के लेंथ, कौन किसका कौन सा राज्य है ये हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि 7 लेंथ हमारे पास है, 830, 410, 369, 270, 170, 173, 103 एंड 38। इस तरह से 7 हो गए। अब मैं यहाँ पे राज्यों को बाइफरगेट करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले 830 उड़ीसा, यानी कि सबसे बड़ा सीमा, सबसे बड़ी लंबाई की सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये आ गया आपका कौन सा, उड़ीसा। क्लियर हुई बात यहाँ पे, उड़ीसा। 410 है आपका एमपी, क्लियर। एमपी जो है वो यहाँ से बनाएगा, ये यहाँ से एमपी ने अपनी सीमा बना ली, क्लियर हो गई बातें। 379 जो है वह है महाराष्ट्र के द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा की लंबाई, जो कि यहाँ से हम लेंगे ये इस तरीके से, करेक्ट। 270 जो है वह है झारखंड की लंबाई छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ, ये देखिए ये वाला पॉइंट, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे 173 कौन सा दोस्तों, 173 जो है वह है तेलंगाना का छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ। तो ये देखिए तेलंगाना यहाँ सुकमा वाले बेल्ट से निकल रहा है और ये यहाँ तक आएगा। 103 यूपी के है और ये है आपका 38 आंध्र प्रदेश के साथ। तो यूपी के बाद यहाँ पर हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो एक बार मैं क्रम में लिख लेता हूँ, उड़ीसा के साथ कितने का लेके बना रहा है 830, एमपी के साथ कितना बनेगा 410, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र के साथ कितना बनेगा 379, झारखंड के साथ कितना बनेगा ये 270 का लेंथ बनेगा, और 270 के बाद तेलंगाना के साथ कितने का लेंथ बनेगा, ये बनेगा 173 का दोस्तों, 173। और यूपी के साथ कितना बनेगा, यूपी के साथ ये लेंथ आ जाएगा आपका 103, और आंध्र प्रदेश के साथ ये बन जाएगा आपका 38 का, क्लियर हो गया। अब ये कॉलम में एक कॉलम और बचा है कि इन राज्यों के द्वारा कितने कितने जिलों को स्पर्श किया जाता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। लेट्स सी, उड़ीसा कुल 8 जिलों को स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ के, ध्यान देंगे कहाँ से, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कितने हो गए 3, 2, 5, कोंडागांव 6, बस्तर 7 और सुकमा 8। इस तरीके से 8 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा हुआ आपका, उड़ीसा। यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, उड़ीसा, और ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है, तो भी क्या आएगा, उड़ीसा। ये ब्लॉक से आप क्वेश्चन बनाते जाएं। दूसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 4 जिलों को स्पर्श करता है, पहला है बलरामपुर, दूसरा है यहाँ पर आपका कौन सा, सूरजपुर, तीसरा है आपका यहाँ पे कोरिया, और चौथा है आपका यहाँ पे गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक, करेक्ट हुई बात। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, मुंगेली हो गया 5, कवर्धा हो गया 6 और राजनांदगांव हो गया 7।
यानी कि जो मध्य प्रदेश है वह कुल 7 जिलों को स्पर्श करता है। याद रखेंगे यहाँ पर एक नया जिला एंटर हुआ जिसे हम कह रहे हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो यहाँ से बिलासपुर अब स्पर्श नहीं करता, अब स्पर्श करता है कौन सा जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही मध्य प्रदेश को। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र जो है कुल 369 किलोमीटर की लेंथ या सीमा बनाता है, और ये 369 क्या है याद रखेंगे, पहला आएगा राजनांदगांव, दूसरा आएगा कांकेर, तीसरा आएगा नारायणपुर और चौथा आएगा बीजापुर। ठीक, फिर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड जो है वह प्रमुख रूप से बलरामपुर, बलरामपुर के बाद जसपुर, क्या बलरामपुर और बलरामपुर के बाद जसपुर, यानी कि दो जिलों को स्पर्श करता है कौन, झारखंड। क्लियर हुई बातें। उसके बाद बात होती है तेलंगाना, तो तेलंगाना जो है वह कुल 173 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है, और यह छत्तीसगढ़ के दो, महाराष्ट्र कितने होंगे 4, झारखंड कितने जिलों को 2, तेलंगाना भी कितने जिले को 2, तो तेलंगाना आपका बीजापुर याद रखेंगे और सुकमा, ये देखिए ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये महाराष्ट्र, ये क्या हो गया आपका मध्य प्रदेश। क्लियर। फिर बात होती है यूपी की, तो यूपी केवल और केवल किसको, बलरामपुर को स्पर्श करता है, और आपका आंध्र प्रदेश केवल और केवल सुकमा जिले को स्पर्श करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 7 राज्यों के द्वारा कितना कितने लंबाई का क्षेत्र कवर किया गया छत्तीसगढ़ के साथ, और कौन कौन से जिले उसमें स्पर्श करते हैं, इस पर हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे राज्यों एवं जिलों के मध्य क्रम के बारे में, तो इस पे एक क्रम हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करके, यहाँ तो से दोस्तों क्वेश्चंस हैं, चलिए यहीं पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राज्यों एवं जिलों के मध्य क्रम वाली बात करते हैं, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं, 3 जिले हैं जो कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं, 2 राज्य को स्पर्श करती हैं। 3 जिले कौन कौन सा आएगा दोस्तों, याद रखेंगे सबसे पहले ऐसा जो है वह है जसपुर, दूसरा याद रखेंगे आप लोग राजनांदगांव, और तीसरा याद रखेंगे आप लोग बीजापुर। यानी कि यहाँ पर बात ये हो गई कि जसपुर जो है वो किसको किसको स्पर्श करेगा, एक करेगा झारखंड को और दूसरा करेगा उड़ीसा को। इसको मैं अलग कलर में ले लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो जसपुर किसको स्पर्श करेगा, जसपुर स्पर्श करेगा आपके उड़ीसा को, जसपुर स्पर्श करेगा किसको, झारखंड को, राजनांदगांव आपके महाराष्ट्र, और राजनांदगांव आपके एमपी को स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बीजापुर के बारे में, तो बीजापुर जो है वह आपके तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ ही साथ आपके महाराष्ट्र, यानी कि 3-2 का कॉन्सेप्ट बनता है, 3-2, और यही अपोजिट होके 2-3 के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। जरा देखते हैं 2-3 क्या बोलता है, 2-3 ये बोलता है कि 2 जिले ऐसे हैं जो कि 3 राज्यों को स्पर्श करते हैं। 2 जिले कौन कौन से दोस्तों, एक याद रखेंगे आप बलरामपुर के बारे में, और एक याद रखेंगे आप सुकमा के बारे में। ठीक, तो बलरामपुर और बलरामपुर के साथ ही साथ सुकमा। ठीक, तो बलरामपुर जो पहले स्पर्श करेगा, याद रखेंगे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, एमपी, एमपी के बाद आ जाएगा यूपी, और यूपी के बाद आ जाएगा यह झारखंड। फिर यहाँ पर बात होगी सुकमा की, सुकमा को भी हम क्लॉकवाइज लेंगे तो पहले आएगा उड़ीसा, फिर आएगा आंध्र प्रदेश, और फिर क्या टच स्पर्श करेगा, तेलंगाना। इस तरह से 2 जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों को स्पर्श करती हैं, यानी कि बलरामपुर भी 3 राज्य हो गया, और सुकमा भी कितने, 3 राज्यों को स्पर्श करेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं फिर से, जसपुर जो है वह उड़ीसा और झारखंड, राजनांदगांव जो है महाराष्ट्र और एमपी, और बीजापुर जो है वह तेलंगाना, और साथ ही साथ याद रखेंगे महाराष्ट्र। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाले पोर्शंस को देखा, और जो कि छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित सीमावर्ती राज्यों के बारे में क्रम था। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था, ये हमने
सीमावर्ती राज्य सीमावर्ती जिले में पहला पॉइंट हमने देखा था सीमावर्ती राज्य, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया, ये और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब बात करनी है जिलों की स्थिति, हम सीमाओं पर भू अवस्थित जिलों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ लगे राज्यों को क्षेत्रफल और लंबाई के आधार पर प्रदर्शित करें, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। लिखेंगे पहला लाइन, छत्तीसगढ़ की जो सीमावर्ती राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के कुल 7 सीमावर्ती राज्य हैं जिनमें क्रम इस प्रकार है क्षेत्रफल के आधार पर और लंबाई के आधार पर भी बोले तो लंबाई लिखिए वहाँ पर सबसे बड़ा उड़ीसा और ब्रैकेट में लिखिए 830, फिर लिखे एमपी, लिखे 410, फिर लिखे महाराष्ट्र, फिर लिखे 379। इस तरह से याद रखेंगे, कभी भी अगर 30 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा तो आपको वहां पर शो करना होगा कि आप कितना इन्फॉर्मेटिक उस आंसर को करते हैं। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में समझाइए। छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में यही समझानी है हमें, ध्यान रखेंगे कि हमको छत्तीसगढ़ का लोकेशन बताना है झारखंड के मामले में, मान लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका साउथ, तो ये वाला जो भाग है ये है आपका, तो आपको बताना होगा जो छत्तीसगढ़ है वह झारखंड के साउथ वेस्ट में, आपको बताना होगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को क्या करना होगा, क्लियर करके यहाँ पे हार्डली 60 वर्ड का क्वेश्चन हो सकता है, इस पर आपको समझाना है। क्लियर, मैंने इसीलिए सारी चीज़ों को क्लियर बताया हुआ है। छत्तीसगढ़ सीमित एवं भौगोलिक विस्तार वाला राज्य है, टिप्पणी करें, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ सीमित एवं भौगोलिक विस्तार वाला राज्य है। इसमें आप बता सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ एक सीमित राज्यों के साथ घिरा हुआ है, आप वो बताइए, और दूसरा भौगोलिक विस्तार है, यानी कि यहाँ पे भौगोलिक विस्तार को एक्सप्लेन करिए, अक्षांशी देशांतरी विस्तार को बताइए। इन सारी चीज़ों को बताते हुए यहाँ पे इसकी भूगोल की विशेषताओं को भी क्या करो, आप इनपुट करो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप क्वेश्चंस बनता हुआ देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हमने देखा छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ लगे राज्य, क्योंकि ये जब तक आपको फैक्ट याद नहीं होगा आप इसको नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य राज्य की तुलना, ये भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया डायरेक्शन के आधार पर, और छत्तीसगढ़ की सीमित एवं भौगोलिक विस्तार वाला राज्य, तो आप बताइए कि सीमित कैसे हो जा रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री हो जा रहा है, ये भू आवेष्टित हो जाएगा, ये लैंडलॉक हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट भौगोलिक विस्तार में आप बताइए कि ये प्रायद्वीपीय प्रदेश का एक हिस्सा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा भाग हम देखने वाले हैं यहाँ पे जिलों की स्थिति, हम सीमाओं पर भू आवेष्टित जिलों की स्थिति के बारे में। आप सभी को पता है कि जो भू आवेष्टित होता है, ध्यान रखेंगे भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित जिले का मतलब होता है कि किसी भी अन्य राज्यों से ना घिरा होना या किसी भी अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करना। यहाँ पर आपको डायग्राम्स में दिख रहे होंगे कौन कौन से भू आवेष्टित जिले हैं और कौन कौन से नए भू आवेष्टित जिले हैं, अभी हम बात कर लेते हैं उसमें। तो भू आवेष्टित जिलों के साथ ही साथ हम बाउंड्री वाले जिलों की बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे इसके पूरे के पूरे सराउंडिंग्स के बारे में, ठीक। अभी सराउंडिंग्स हम कहाँ घुसने वाले हैं, धीरे से एंट्री करने वाले हैं इन पोर्शन में, यानी कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे कुल कितने जिले हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कुल बाउंड्री है, यानी ये 18 जिले, कितने जिले, 18 जिले हैं। और इन 18 जिलों को क्लॉकवाइज हमेशा याद रखो, आपको याद रखना है क्लॉकवाइज, जैसे ही पहले आएगा कोरिया, कोरिया के बाद आएगा सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आएगा बलरामपुर, बलरामपुर के बाद जसपुर, जसपुर के बाद रायगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। रायगढ़, रायगढ़ के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, करेक्ट, एंड गरियाबंद के बाद आप लेंगे धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, बीजापुर के बाद नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही एंड कोरिया। इस तरीके से वी आर गोइंग टू बी सी 18 डिस्ट्रिक्ट इन अ बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के बाउंड्री में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बारे पे लिखें, ठीक। साथ ही साथ इन 18 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर अगर मैं बात करूं कि कौन सा ऐसा सीमावर्ती जिला है जो वर्तमान में एग्जिस्टेंस में या स्थित, उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो वर्तमान में एक नया जिला आया जिसे हम बोलते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर हट चुका है, ठीक। अब यहीं से हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, अगर गौरेला पेंड्रा मरवाही एक नया सीमावर्ती जिला है तो बिलासपुर जो है एक नया भू आवेष्टित जिला है। तो याद रखें हमारे पास भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई, 10। याद रखेंगे पहला सरगुजा, दूसरा कोरबा,
तीसरा जहांगीर चांपा, चौथा बिलासपुर, पांचवा बलौदा बाजार, छठवा रायपुर, सातवा बेमित्रा, आठवा दुर्ग, नौवा बालोद और दसवा दंतेवाड़ा। इसको इस तरीके से याद रखें। दूसरा आपको याद रखना होगा संभाग वाइज। अगर मैं बात करूं कि सरगुजा संभाग में कौन सा भू अवस्थित जिला, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, सरगुजा। अगर आपको पता है कि बिलासपुर संभाग में कौन कौन से भू अवस्थित जिले, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तीन है। कौन कौन से हैं? कोरबा, बिलासपुर, जहांगीर चांपा। पूछा जाए रायपुर में कौन सा भू अवस्थित जिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि रायपुर एंड बलौदा बाजार। दुर्ग में कौन कौन से ये, और बस्तर में कौन सा, दंतेवाड़ा। तो इस तरीके से भू अवस्थित जिलों पर हमने चर्चा किया कि कुल कितने भू अवस्थित जिले हैं, 10। सबसे नया भू अवस्थित जिला कौन सा है, बिलासपुर। सबसे नया सीमावर्ती जिला कौन सा है, गौरला, पिंडरा और मरवाही। जैसे कि मैंने उस समय बताया था आपको, ये वाला पॉइंट हमने देखा था, तीन राज्यों को टच करने वाला। ये देखिए यहाँ पर भी ये आपका एक दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, क्लियर। ये कौन से भी यहाँ पर, बलरामपुर तीन राज्यों को टच करेगा, यहाँ पे जसपुर दो राज्यों को टच कर रहा है, सुकमा यहाँ पर तीन राज्यों को टच कर रहा है, बीजापुर यहाँ पे दो राज्यों को कर रहा है, राजनांदगांव यहाँ पे दो राज्यों कर रहा है। ये वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते थे। कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ एक भू अवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ भू अवेष्टित राज्य होने के साथ ही साथ एक प्रायद्वीपीय प्रदेश भी है। छत्तीसगढ़ भू अवेष्टित राज्य है, जिससे बहुत से हमें उसकी विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे कि वह अन्य राज्यों के साथ व्यापार की गतिविधि को बढ़ा सकता है। भू अवेष्टित राज्य होने के कारण ही हमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज अभी हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे तो बात करेंगे। दो राज्यों से संलग्न जिलों की संख्या 3, तीन राज्यों से लग्न जिलों की संख्या 2, एक राज्य से लग्न जिलों की संख्या 13, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, बलरामपुर, और साथ ही साथ यहां पर एक और आ जाएगा आपका, कौन सा, सुकमा। याद रखेंगे दोस्तों, सुकमा, ठीक। सर्वाधिक जिलों से संलग्न प्रदेश का जिला जो है बलौदा बाजार और कोरबा, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। याद रखेंगे कोरबा, पहले जब ये पेंड्रा, गौरेला, मरवाही का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो याद रखिएगा राज्य में एक जिला ऐसा था जिसका नाम था बलौदा बाजार। यह कुल अपने बाउंड्री में 7 जिलों को स्पर्श करता था, लेकिन जब से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का फॉर्मेशन हुआ, तो कोरबा एक ऐसा जिला बन गया जो वो भी अब 7 जिलों को स्पर्श करता है। अगर मैं क्लॉकवाइज बात करूं तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, देन रायगढ़, देन जहांगीर चांपा, देन बिलासपुर और देन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इस तरह से सर्वाधिक जिलों से संलग्न प्रदेश के अब वर्तमान में 2 जिले आ जाते हैं, कोरबा और बलौदा बाजार। पहले केवल कौन था दोस्तों, बलौदा बाजार, क्लियर। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला जो है वह कोरिया, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है बलरामपुर। आप देख सकते हैं, अगर यहां से मैं स्टार्ट करूं इन चीजों को, इस तरीके से चीजें चलना, यहां तक ये सबसे लंबा सीमा, और ये छोटा सा नॉर्मल सा छोटा सा जो सीमा है वह बलरामपुर के द्वारा फॉर्मेशन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंध क्षेत्र में शामिल है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में क्यों शामिल है, आप सभी को पता है कि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहाँ से होकर गुजरती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में शामिल है। किसमें? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में शामिल है, ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित एवं सीमावर्ती जिलों पर टिप्पणी करें। आप लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित एवं सीमावर्ती जिले कौन कौन से, तो पहले बताएं कि छत्तीसगढ़ के 10 भू आवेष्टित एवं 18 सीमावर्ती जिले हैं। दूसरा बताइए नवीनतम भू आवेष्टित और नवीनतम सीमावर्ती जिलों का नाम ये है, ठीक। अगर ये 30 वर्ड्स में है तो इतना आप लिख लें, अगर 60 वर्ड में तो पहले ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि आपको बताना होगा कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, जो रिसेंट चीज़ें डेवलप हुई उसको पहले आप एग्जिस्ट करवाइए वहाँ पे, तभी तो वो आपका आंसर बहुत इम्पैक्टफुल होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका कितने, 10, और 10 के बाद यहाँ पर क्या हो गया, 18। इसमें नवीनतम क्या आएगा आपका, बिलासपुर, और यहाँ पर क्या आएगा, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ये चीज होने के बाद अगर 60 वर्ड में क्वेश्चन पूछते तो आप जिलों के नाम लिख दीजिए। तो क्वेश्चन क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित सीमावर्ती जिलों पर टिप्पणी करें। छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है, लाभ एवं हानि पर चर्चा करें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है, लाभ और हानियों पर चर्चा करें तो लाभ क्या है जरा समझते हैं। इसकी लाभ ये है कि यहाँ पर हमें बाह्य सुरक्षा का फायदा मिलता है, यानी कि हमें जो अंतर्राष्ट्रीय खतरे हैं उससे छत्तीसगढ़ दूर है क्योंकि अन्य राज्य इसकी सीमाओं को घेरे हुए हैं। दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी से हर समय मानसून के समय एक चक्रवात, कई तूफान, कई बाढ़, कई सुनामी आते रहते, लेकिन छत्तीसगढ़ को वो इम्पैक्ट नहीं करती क्योंकि वो अन्य राज्यों के थ्रू, अन्य राज्यों के दौरान जब वो गुजरती हैं तो अपनी गति को वो कम कर लेती हैं या उनकी गति सामान्यतः कम हो जाती हैं, जिससे कि राज्य को केवल वर्षा की प्राप्ति होती लेकिन भीषण आपदाओं की प्राप्ति नहीं होती। अंतर्राज्यीय व्यापार की संभावनाएं, बिल्कुल सत्य है कि हम यहाँ पर यूपी, यहाँ पर MP, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यानी कि अन्य राज्यों के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, अन्य राज्यों को प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा काम बस्तर हनी और कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वहां पर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा बॉर्डर के साथ किया भी जा रहा है, जो वहां के लोगों को काफी आसानी देता है। प्रायद्वीपीय अवस्थिति होने के कारण खनिज संपदा से परिपूर्ण है। बिल्कुल, हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के कौन से डायरेक्शन में दोस्तों, आप सभी को पता है यह है आपके नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण यहाँ पर खनिज संपदा हमें काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होती है, जो कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूकंप की संभावनाएं कम बनी होती, बिल्कुल सत्य। समृद्ध वन एवं समृद्ध मृदा की प्राप्ति होती, बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक, हानि की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे हानि में नक्सलवादी गतिविधियों का लगातार बना हुआ अर्थ क्षेत्र ट्रिपल जंक्शन पॉइंट में आता है। दोस्तों चलो देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। चलो, ट्रिपल जंक्शन पॉइंट, ये आपको पता है, ये है हमारा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, आपको ये पता है ये उड़ीसा का पार्ट है, ये है आपका CG का, ये है आपका आंध्र प्रदेश का और ये है आपका तेलंगाना का। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर भी फॉरेस्ट, इधर भी फॉरेस्ट, इधर भी फॉरेस्ट और यहाँ पर भी फॉरेस्ट। अब कोई नक्सल एक्टिविटी होती है तो नक्सली यहाँ पर एक्टिविटी करके कभी तेलंगाना निकल जाते हैं, इधर अगर करते तो आंध्र प्रदेश निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते, कभी इधर निकल जाते। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है या स्थानीय फोर्सेस हैं, उनके द्वारा उस नक्सल गतिविधि को अंजाम देने वाले नक्सलियों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस्तर को हम ट्रिपल जंक्शन पॉइंट कहते हैं। अगर यहाँ किसी ने एक्टिविटी की तो वो छत्तीसगढ़ आएगा, यहाँ किसी ने एक्टिविटी की तो छत्तीसगढ़ आएगा, यहाँ किसी ने एक्टिविटी की तो यहाँ छत्तीसगढ़ आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री सीमा न होने के कारण यहाँ पे आयात एवं निर्यात में कमी होता है। समुद्री सीमा नहीं है इसलिए हम यहाँ पे आयात एवं निर्यात जैसे कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे पारादीप, उड़ीसा या फिर वाइजाक पोर्ट के थ्रू ही अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंजाम दे सकते हैं, हम डायरेक्टली व्यापार नहीं दे सकते, जिससे हमें उस स्टेट में भी एंट्री लेना होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, आंसर्स को लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।